खाने में तो मजा आता ही है खांडवी को, मगर इसको रोल करने का मजा भी कुछ और ही है। तो ये तैयार होगी हमारी प्लेन खांडवी और ये रेडी है हमारी स्टफ्ड खांडवी। हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? तो स्वागत है आपका वेट लॉस वेंसडेज में। तो जैसा कि आप समझ ही होंगे, आज हम बनाने वाले हैं खांडवी, और क्योंकि आप श्वेताज इजी कुकिंग चैनल देख रहे हैं तो इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हम एक स्टील का बोल ले लेंगे और उसमें डाल देंगे 1 कप बेसन। 1 कप बेसन में हम डाल देंगे करीबन 1/4 कप दही, मतलब 1 कप से थोड़ा सा कम दही। ज़रूरी नहीं कि आप मेजरिंग कप का ही इस्तेमाल करें, आप इतनी ही बड़ी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस मेजरमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप + 1/3 कप पानी। तो ये पानी डाल दिया हमने और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को और फिर हम इसमें डालेंगे करीबन 1/2 टीस्पून हल्दी। इससे हमारी खांडवी का रंग बहुत अच्छा आता है। और इधर हमने करीबन 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्चों को इस तरीके से खलबट्टे में पीस लिया था। इसे भी हम इस मिक्सचर में डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। हमारा बैटर बिल्कुल लम्प फ्री होना चाहिए, मतलब इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। और बाय चांस अगर आपके बैटर में गुठलियाँ पड़ भी जाएँ तो आप इसको एक छलनी से छान लीजिएगा और जितनी भी गुठलियाँ हैं छलनी में तोड़ दीजिएगा, ताकि जो आपका बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब हम इसको रख देंगे साइड में 10 मिनट के लिए फूलने के लिए। और 10 मिनट बाद हमारा बैटर अच्छे से फूल करके तैयार हो गया है। तो ले चलते हैं इसको गैस की तरफ। तो आज हम खांडवी का जो बैटर है वो कढ़ाई में नहीं बनाएंगे, कुकर में बनाएंगे। तो कुकर में हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया और एक स्टैंड रख दिया है। पानी का लेवल स्टैंड से नीचे होना चाहिए। और अब हम इस पतीली को इस कुकर के स्टैंड के अंदर रख देंगे, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और अब हम इसको हाई फ्लेम पे 5 सीटियां दे देंगे। फ्लेम को लो पे नहीं करना है, हमें इसको हाई फ्लेम पे ही 5 सीटियां देनी हैं। और जब 5 सीटियां आ जाएंगी तब हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। तो जब तक कुकर में सीटियाँ लग रही हैं, इधर हम अपनी थालियों पर हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं ताकि खांडवी को निकालने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़ी थालियाँ ले ली हैं, इतने बैटर के लिए 3 थालियाँ काफ़ी होंगी। खांडवी को आप डायरेक्टली अपने वर्क स्टेशन यानी कि स्लैब के ऊपर फैला सकते हैं। यहाँ पे मैं थालियों का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ कि थाली के ऊपर खांडवी कैसे फैलाई जाती है। अब आप कहेंगे कि ये कोई अलग सा तरीका थोड़ी ना होगा भाई, एक अलग सी ट्रिक होती है थाली के ऊपर फैलाने की, तो वो भी मैं आपके साथ आज शेयर कर लूँगी। तो ये 1 थाली तैयार हो गई है, आगे और पीछे दोनों तरफ मैंने ऑयल लगा दिया है। इसी तरीके से 3 थालियाँ हमें तैयार करनी हैं। इधर हमारा कुकर भी ठंडा हो गया है, तो ये जो बैटर है इसके ऊपर अगर थोड़ा सा पानी आ जाए तो आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा, मतलब कि हटा दीजिएगा। और अब बिना देरी किए हम इस पतीले को बाहर निकालेंगे और इसको जल्दी से फेंट लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, क्योंकि ये बिल्कुल सेट होने वाली स्टेज पे आ चुका है। यहाँ पे ऊपर से हो सकता है आपको लग रहा हो कि बैटर बहुत ज़्यादा लिक्विडी है, मगर नीचे से ये बहुत ज़्यादा जम चुका होता है। तो इसको फटाफट से हम इस तरीके से हिलाएंगे। यहाँ पे मैं वायर विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही आसानी से हो जाता है इससे। आप नॉर्मल चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मेरे पास वायर विस्क नहीं था तो मैं चम्मच का ही इस्तेमाल करती थी। तो ये बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम लेके आते हैं अपनी थाली। तो थाली के ऊपर फैलाने का तरीका ये है कि पहले हम अंदर की तरफ से फैलाएंगे, क्योंकि अगर आप पहले पीछे की तरफ से फैला देंगे तो फिर जब आप थाली रखेंगे तो सारी की सारा जो खांडवी का जो बैटर है वो चिपक जाएगा, और हमें थाली की दोनों तरफ को इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से ये जो खाने वाली तरफ होती है, अंदर वाली जो तरफ होती है जिसके ऊपर हम रख करके खाना खाते हैं, उसके ऊपर ये बैटर को फैलाना है। बैटर को बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं फैलाना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं फैलाना है, क्योंकि दोनों ही केसेस में खांडवी टूट जाती है। अगर बहुत ज़्यादा पतला होता है तब भी रोल करते समय दिक्कत आती है, और अगर कहीं कहीं मोटा हो जाता है या फिर ज़्यादा मोटा फैला दिया जाता है तो खांडवी रोल करते समय टूट जाती है। एक और बात,
अगर आप अपने वर्क स्टेशन के ऊपर इस बैटर को फैला रहे हैं तो पूरा का पूरा जो बैटर है वो एक साथ स्टेशन के ऊपर मत डालिएगा, क्योंकि वो तुरंत सेट हो जाएगा। इस समय अगर ये बोल में ही रहेगा तो थोड़ी सी गर्माहट बनी रहती है और ये लिक्विड स्टेट में ही रहता है, क्योंकि जैसे ये बाहर आएगा ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और ये सेट होने वाली स्टेज में आ जाता है। तो यहाँ पे हमने थाली को पलटा लिया है और दूसरी तरफ भी हम बैटर को इसी तरीके से फैला लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वीडियो की स्पीड भी आगे नहीं करी है, इतनी कोई बहुत जल्दी जल्दी नहीं फैला रही हूँ मैं, और अभी भी बैटर अच्छे से फैल रहा है। आइडियली खांडवी को कढ़ाई में बनाया जाता है, पूरा का पूरा जो बैटर है उसको कढ़ाई में डाल दिया जाता है और फिर चलाते जाओ और 10 से 15 मिनट तक लगातार हाई से मीडियम फ्लेम पे चलाना पड़ता है और फिर हमारा बैटर तैयार होता है। तो कुकर में बनाने से ये सारी मेहनत बच जाती है, और क्योंकि खांडवी इतनी टेस्टी होती है, इतनी लाजवाब होती है, तो क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी कुकर में बनाने में, तो आप इसको बार बार बना सकते हैं। तो ये एक थाली हमारी तैयार हो गई है, तो इसी तरीके से हम बाकी की थालियाँ भी तैयार कर लेंगे। पहले अंदर की तरफ लगाएंगे और फिर उल्टी तरफ लगा करके उसी तरीके से इसको सूखने के लिए रख देंगे। खांडवी को सूखने में यानी कि सेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 10 मिनट लगते होंगे और आपकी जो खांडवी है वो पूरी तरीके से सेट हो जाती है। तो ये दूसरी प्लेट भी हमारी लगभग तैयार हो गई है और तीसरी प्लेट भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और इसको सेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद हमारी खांडवी सेट होकर के तैयार है, तो अब हम एक चाकू की मदद से इस तरीके से कट के निशान लगा देंगे। और अब हम इन सभी खांडवी के पीसेस को इस तरीके से रोल करना स्टार्ट कर देंगे। तो मार्केट में दो तरीके की खांडवी मिलती हैं, एक होती है प्लेन खांडवी और दूसरी होती है स्टफ्ड खांडवी। तो ये हमारी प्लेन खांडवी रोल अप हो गई है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ स्टफ्ड खांडवी। तो अब हम इस प्लेट को पलटा लेंगे और इसमें भी इसी तरीके से कट के निशान लगा देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा और फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता, रोल कर देंगे इसको पहले की ही तरह, और ये तैयार हो गई हमारी स्टफ्ड खांडवी। अब हम इसके छौंक की तैयारी कर लेते हैं। तो इसको छौंक लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक छौंका पैन में हम एक टीस्पून ऑयल डाल देंगे, ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मोटी राई डाल देंगे। जब मोटी राई तड़क जाएगी तब हम कर देंगे फ्लेम को बंद, क्योंकि ऑयल जो है वो अच्छा खासा गर्म हो चुका है। और फिर हम इसमें एक टीस्पून सफ़ेद तेल और 7 से 8 कड़ी पत्ते डाल देंगे। तिल डालने से पहले गैस का फ्लेम बंद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि तिल बहुत ज़्यादा पतला होता है और बहुत जल्दी जल जाता है। तो ये हो गया हमारा तड़का तैयार, तो चलिए इसे खांडवी के ऊपर डाल भी देते हैं। इसको थोड़ा सा और गार्निश करने के लिए आप ऊपर से धनिया पत्ता और नारियल का बुरादा छिड़क सकते हैं। सर्व करिएगा इसको हरे धनिए की चटनी के साथ। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये लाजवाब सी रेसिपी पसंद आई होगी। अभी के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं मंडे वेंसडे थर्सडे को सुबह 9 बजे। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय।